हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नसीम क्रिएशन। सो आज हम क्रिएट करेंगे ये वाला इफेक्ट जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये बालवीर सीजन 3 का ये वाला इफेक्ट है, आप देख सकते हो। बालवीर कुछ इस टाइप से हैंड करता है, ये टाइमर वाला इफेक्ट है। तो इसको आज हम क्रिएट करेंगे एंड इसको क्रिएट करने के लिए कुछ इस टाइप से आपको वीडियो को शूट करना, आप देख लीजिए। इस टाइप से आपको वीडियो को शूट करना है। वीडियो को शूट कर लेने के बाद काइन मास्टर एप्लीकेशन से हम इसको एडिट करेंगे। तो काइन मास्टर प्ले स्टोर में जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसमें जो इफेक्ट वगैरह यूज करूंगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो अभी काइन मास्टर को मैंने ओपन कर लिया है एंड अब इस वाली इमेज को काइन मास्टर में ऐड करेंगे। इस इमेज को मैंने कैसे क्रिएट किया, आप इस वाले एपिसोड में जाकर इस सीन को आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस फोटो को, देन इसको स्नैपशीट में ओपन करके बालवीर को हीलिंग टूल से इसको रिमूव कर देना है। एक दो वीडियो में मैंने बता भी रखा है कि स्नैपशीट में कैसे हीलिंग टूल को यूज करके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिमूव करके बैकग्राउंड बना लेना, उसके बाद से काइन मास्टर में ओपन कर लेना। तो मैं काइन मास्टर में ओपन कर लेता हूँ बैकग्राउंड को। सो बैकग्राउंड को मैंने ऐड कर लिया है, देन अब वीडियो को ऐड करेंगे। सो वीडियो को मैंने ऐड कर दिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट है अब उसको मैं कट कर लेता हूँ। सो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया, अब देन इसको क्रॉपी करेंगे। वीडियो पे क्लिक करके क्रॉपिंग ऑप्शन में आएंगे, देन इसको इसके साइड को क्रॉप कर देंगे हम। क्रॉप करने के बाद देन आएंगे हम क्रोमा की ऑप्शन में, इसको इनेबल कर देंगे एंड अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। उसके बाद से आएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट में, देन ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, एंड इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे। एंड अभी क्रोमा की के ऑप्शन में आएंगे, देन इसको थोड़ा सही करेंगे। ठीक है, देन ये सही हो गया एंड इसको और थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। एंड अब एक पीएनजी में स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस पीएनजी को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जाकर सर्च करेंगे वॉच लाइट पीएनजी तो आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक ग्रीन स्क्रीन, ये वाला ग्रीन स्क्रीन आप गूगल पर सर्च करेंगे टाइमर ग्रीन स्क्रीन, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जो अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं उसको डाउनलोड कर लेना। तो ये दो चीज़ हमें यूज करना है, तो दोनों को डाउनलोड करके रख लेना। सो दोनों चीज़ें डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इस वाले लाइट पीएनजी को ऐड करेंगे। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लाइट पीएनजी को ऐड कर दी, देन ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसको स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद देन इसको छोटा करेंगे एंड इसको सीधा करेंगे एंड अपने हाथ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको और छोटा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे एंड इसको क्रोपिंग में आके फेदर को ऐसे फेदर को बढ़ा देंगे इतना, ठीक है, और अपने हाथ को हाथ पे ऐसे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसको कट कर देता हूँ। देन यहीं पे टाइमर वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड करेंगे। तो मैंने टाइमर वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर दिया, देन क्रोमा की से इसको ग्रीन स्क्रीन को इनेबल करके इसको ग्रीन स्क्रीन को हटा देंगे। देन इसको छोटा करके इस पर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने क्रोमा की, ये मैंने टाइमर वाला ग्रीन स्क्रीन यूट्यूब से डाउनलोड किया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारा मिल जाएगा आपको, जो मर्जी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। सो ठीक है, ये लाइट पीएनजी है, ये थोड़ा एनिमेट करते हैं इसको, इन एनिमेशन में आकर इसको थोड़ा सा फेड कर देंगे, देन प्ले करके देख लेते हैं। सो ठीक है, आप देख सकते हो, और थोड़ा बहुत जो इधर उधर हो जाएगा वो तो की फ्रेमिंग से हम देख लेंगे। तो ऐसे ही इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सो फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत की फ्रेमिंग कर दिया अपने हैंड के पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो वीडियो बन के रेडी हो गया। तो कुछ इस टाइप से ये वाला इफेक्ट, आप बालवीर वाला इफेक्ट, आप टाइमर वाला क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। तो अगली वीडियो किस टॉपिक को चाहिए वो भी कमेंट करके हमें बता देना एंड काफ़ी लोगों ने पहले कमेंट किया उस पर वीडियो स्क्रिप्टिंग चल रही है, वीडियो जरूर आएगा, जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग कमेंट किए थैंक यू सो मच, एंड अभी भी लोग जो कमेंट नहीं किए अपने टॉपिक वो कमेंट करके हमें टॉपिक और सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में अभी 10 टॉपिक बालवीर के ही हैं, ठीक है, और अलग टॉपिक हैं बहुत सारे। तो अभी सारा वीडियो आने वाला है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।